अगर आप भी इजी लैंग्वेज में डीजल पावर प्लांट के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। डीजल पावर प्लांट में क्या होता है कि कहीं और से ऑयल को ले आकर यहाँ पर जो फ्यूल स्टोरेज टैंक है इसमें स्टोर कर दिया जाता है। उसके बाद उस फ्यूल को अच्छी तरह से जांच किया जाता है, मतलब इसको फिल्टर करा जाता है, उसके बाद इसकी क्वालिटी चेक करा जाता है। उसके बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर जो फ्यूल है इस फ्यूल को ट्रांसफर कर दिया जाता है एक और एक फ्यूल टैंक में। यहाँ पर बहुत सारे डीजल इंजन है, सबका वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। मैं आपको एक डीजल इंजन से समझाऊंगा, आप सब कुछ समझ जाओगे। अब ये जो डीजल इंजन है ये क्या करता है कि कुछ इनपुट लेता है और कुछ आउटपुट देता है। आउटपुट क्या देता है हमको पता है, मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन इनपुट क्या क्या लेता है। यहाँ पर जो ऑयल है इस ऑयल को एक पंप में भेजा जाता है, वो पंप रिक्वायरमेंट के हिसाब से पुश करता है डीजल इंजन के अंदर। अब ऑयल तो डीजल इंजन के अंदर चला गया और एक चीज ये लेता है, ये कंप्रेस्ड एयर अंदर लेता है। अब कंप्रेस्ड एयर अंदर भेजने के लिए यहाँ पर एयर कंप्रेसर का यूज किया जाता है। ये क्या करता है, नॉर्मल एयर को अपने अंदर लेता है, उस एयर को कंप्रेस करता है, कंप्रेस करके उस एयर को डीजल इंजन के अंदर भेज देता है। उसके बाद क्या होता है कि कंप्रेस एयर एंड ऑयल दोनों एक साथ कंप्रेस होकर इस डीजल इंजन को स्टार्ट करता है। अब जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा डीजल इंजन तो क्या करेगा, ये एक मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट देगा। मतलब मैकेनिकल एनर्जी कैसे आउटपुट देगा, यहाँ पर जो शाफ्ट है इस शाफ्ट को घुमाएगा। अब इस शाफ्ट के साथ हम अल्टरनेटर को कनेक्ट कर देंगे। अब अल्टरनेटर क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है अल्टरनेटर, ठीक है। अब देखो ये तो अल्टरनेटर की बात हो गई, यहाँ पर डीजल इंजन क्या होता है कि जो एग्जॉस्ट गैस होता है ठीक है उसे इस पाइप की मदद से बाहर निकल देता है। अब ये पाइप डायरेक्ट कनेक्ट रहता है चिमनी के साथ, चिमनी की हेल्प से जो एग्जॉस्ट गैस होता है वो बाहर निकल जाता है। अब ये डीजल इंजन क्या करता है कि ये यहाँ पर जो अल्टरनेटर होता है उसको घुमाता है। अल्टरनेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है एंड वही इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें मिलता है उससे हम कुछ भी चला सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पर जो अल्टरनेटर है ये अल्टरनेटर 11 केवी की बिजली जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब पावर प्लांट में ऐसे डीजल इंजन और ऐसे अल्टरनेटर बहुत सारा होता है, बहुत सारा, ठीक है। तो मान लो इस पावर प्लांट में ऐसे अल्टरनेटर ऐसे डीजल इंजन 10 है, एक अल्टरनेटर 11 केवी की बिजली जनरेट कर रहा है तो 10 अल्टरनेटर 110 केवी की बिजली जनरेट करेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पावर प्लांट मिलकर बहुत सारे बिजली ऐसे ही जनरेट करता है। इंडिया में डीजल पावर प्लांट की हेल्प से हम 2 से लेकर 50 मेगावाट की बिजली हम जनरेट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक दिक्कत है, इसका एफिशिएंसी जो है लो और ये यूज होता है ओनली फॉर इमरजेंसी पर्पस के लिए ये यूज होता है। इसमें बहुत और भी बहुत कुछ रहता है, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, बहुत कुछ रहता है, लेकिन मैंने उस सब कुछ हटा दिया। मेन जो पार्ट से मैंने आपको सिर्फ वही दिखाया कि आपको मैं बेसिक से समझा सकूं और कुछ नहीं। अगर मैं सब कुछ दिखाऊंगा तो हो सकता है कि आपके दिमाग के ऊपर से चला जाए, कुछ भी समझ में नहीं आया। इसीलिए मैंने आपको सिर्फ बेसिक समझा दिया है कि डीजल पावर प्लांट कैसे काम करता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन जो आपके पास पहुंच जाए।